कि एज अ पाकिस्तानी, एज होपफुली अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हु इज विलिंग प्रोबेबली टू गिव हिज लाइफ फॉर पाकिस्तान, आपका मैसेज जितने भी पाकिस्तान के एक शहरी हैं वो क्या होगा? आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट वेदर यू वांट टू चूज feudal, ongoing feudal system or Pakistan. दोनों एक साथ नहीं चल सकते. मैं गलत हूँ, बुरा हूँ, जो इल्जाम है आप कयादत कीजिए. आप निकलिए, अपने में से मिडिल क्लास गरीबों में से कयादत निकालिए. अल्ताफ हुसैन को छोड़ दीजिए, इस feudalism को खत्म करके पाकिस्तान को बचा लीजिए. एक ही, दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती. छोटे सूबों को गैर मत समझिए. छोटे सूबे गैर नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा है. उनको उनके हकूक दीजिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दीजिए, सूबाई खुद मुख्तारी दीजिए, तमाम सूबों को अपने सूबे चलाने का हक दीजिए. इसी में पाकिस्तान की बका फला है. अदालतों को मुकम्मल आजाद कीजिए, खुद मुख्तार कीजिए. न वहाँ जर्नल की चले, न सदर की चले, न वजीर आजम की चले, बल्कि अदालतें मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट हों. कानून सबके लिए बराबर हो. कानून सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए ना हो, बल्कि सरमायादारों, जागीरदारों, वडेरों के लिए भी कानून हो. कानून ही ना हो, बल्कि जिस तरह गरीबों पर इतलाक हो, उसी तरह इन बड़े बड़े लोगों पर इतलाक हो. इसी इंसाफ के निजाम को कायम करके जमहूरियत, सही मानों में जमहूरियत का मतलब, जमहूरियत का मतलब डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल. व्हाट डेमोक्रेसी अनफॉर्चुनेटली वी हैव फॉर द पास्ट 54 इयर्स, दैट इज नॉट ट्रू डेमोक्रेसी, दैट इज अ स्यूडो डेमोक्रेसी, अ फ्यूडो डेमोक्रेसी. द गवर्नमेंट बाय द फ्यूडल्स फॉर द फ्यूडल्स ऑफ द फ्यूडल्स, ये डेमोक्रेसी नहीं है. अवामी जमहूरियत, आपकी जमहूरियत. अल्ताफ हुसैन आपको अच्छा नहीं लगता, उसकी बातें अच्छी नहीं लगती. अपने में से क़यादत पैदा कीजिए, मिडिल क्लास में से क़यादत पैदा कीजिए. सही जमहूरियत पाकिस्तान में बहाल कीजिए. इंसाफ का निज़ाम कायम कीजिए. पाकिस्तान में तमाम सूबों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दीजिए. इसी में पाकिस्तान की भलाई है, बका है, सलामती है. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्ताफ साहब, थैंक यू वेरी मच.